नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चौमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को गन्ना किसानों को दीपावली के अवसर पर एक बड़ा तोहफा प्रदान किया है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए कहा है कि इस वर्ष के लिए गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 386 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाता है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों को दिवाली का एक बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि इस वर्ष के लिए गन्ने का मूल्य 372 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 386 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अगले साल के लिए भी गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष जिन दिनों गन्ने का रेट घोषित होता है, उन दिनों में आचार संहिता लगी होगी, इसीलिए विभाग से परामर्श करके अगले वर्ष के लिए गन्ने का रेट 400 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाता है। हरियाणा प्रदेश के मेरे किसान भाइयों, हम सब अपनी खेती बहुत ही परिश्रम से करते हैं और उसकी उपज बाजार में बेचकर हरियाणा की आर्थिक एक प्रकार से स्थिति को मजबूत करते हैं। हम 14 फसलें MSP पर खरीदते हैं और आज मैं विशेष तौर पर गन्ना उत्पादक किसानों के लिए ये जानकारी देना चाहता हूं कि अभी जो इस पिछले वर्ष का गन्ने का जो रेट 372 रुपया प्रति क्विंटल था, इसको हम बढ़ा करके इस वर्ष के लिए 386 रुपये प्रति क्विंटल जो अगेती वैरायटी है उसके लिए घोषणा कर रहा हूं मैं। और अगले वर्ष जैसा हम जानते हैं, वो वर्ष जिन दिनों में गन्ने का रेट घोषित होता है उन दिनों में आचार संहिता लगी होगी, कहीं उसमें देरी न हो, इसके लिए विभाग से परामर्श करके अगले वर्ष का भी गन्ने का रेट आज ही 400 रुपया प्रति क्विंटल ये घोषित किया जाता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। सरकार की ओर से लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य से यह सुनिश्चित करना है कि गन्ना किसानों को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए उचित मूल्य मिले। मुख्यमंत्री ने गन्ने की दरों में उल्लेखनीय वृद्धि करके गन्ना किसानों को प्रोत्साहित किया और अगले वर्ष भी सरकार की ओर से समर्थन जारी रखने का वायदा किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के किसान भाई बहुत ही परिश्रम से खेती करते हैं और अपनी उपज बाजार में बेचकर हरियाणा की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। राज्य सरकार भी सदैव किसान हित में निर्णय लेती है और हम उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 14 फसलों की खरीद MSP पर की जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार के इस कदम से गन्ना किसानों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने और हरियाणा के कृषि क्षेत्र के समृद्धि में योगदान होने की उम्मीद है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा की वर्तमान सरकार के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में प्रदेश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यही वजह है कि हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद के जरिए जनता से रूबरू होते हैं और फिर जनता की समस्याओं का सुनकर यहाँ पर मौके पर निपटान करते हैं। अपने जनसंवाद कार्यक्रम की श्रृंखला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर जिला में जनसंवाद करेंगे। 2 दिन यानी 8 नवंबर और 9 नवंबर को मुख्यमंत्री यमुनानगर प्रवास पर रहेंगे। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद के जरिए जनता से रूबरू होते और फिर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। अपने जनसंवाद कार्यक्रमों की श्रृंखला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब यमुनानगर जिला में जनसंवाद करेंगे। दो दिन यानी 8 नवंबर और 9 नवंबर तक मुख्यमंत्री यमुनानगर प्रवास पर रहेंगे। 6 स्थानों पर जनसंवाद कार्यक्रमों में लोगों की समस्याएं सुनेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री लोगों से जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी जानकारी भी लेंगे। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं यमुनानगर में होगा मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम। 8 और 9 नवंबर को 6 स्थानों पर होगा जनसंवाद कार्यक्रम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुनेंगे ग्रामीणों की समस्या। 8 नवंबर को मुख्यमंत्री गांव प्रताप नगर से जनसंवाद की शुरुआत करेंगे। दोपहर बाद 3 बजे गांव छछरौली में मुख्यमंत्री जनता से रूबरू होंगे। शाम 5 बजे जगाधरी शहर में मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। 9 नवंबर को मुख्यमंत्री सुबह 9:30 बजे गांव पावनी कला में पहला जनसंवाद करेंगे। गांव बिलासपुर में 11:30 बजे और साढ़ौरा टाउन में 2:30 बजे जनसंवाद करेंगे। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री छोटी सरकारों के चुने हुए जन प्रतिनिधियों को तरजीह देंगे। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं को जन समर्थन मिल रहा है। मुख्यमंत्री की ओर से पिछले 9 सालों में ग्राम विकास पर मुख्य फोकस करते हुए शुरू की गई विभिन्न पहलों का सकारात्मक परिणाम आज धरातल पर दिख रहा है। सरपंच खुद जनसंवाद कार्यक्रमों में सरकार की योजनाओं पर मुहर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी जनसंवाद कार्यक्रमों में छोटी सरकारों के चुने हुए जन प्रतिनिधियों को तरजीह देते हुए सरपंच के साथ मंच साझा कर रहे हैं। उनके इस अधिक उत्साह से कार्य कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों में सरपंच खुद बता रहे हैं कि राज्य सरकार की ओर से पंचायतों को दी गई स्वायत्ता का उन्हें बहुत लाभ हो रहा है और वे अपने स्तर पर विकास कार्य करवाकर गांवों को नई पहचान दिला रहे हैं। जन संवाद कार्यक्रमों में एक और नागरिक जहां मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं रखते हैं, तो वहीं वर्तमान राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की भी सराहना करते हैं। जब मुख्यमंत्री पूछते हैं कि क्या किसी को नौकरी के लिए पैसे देने की जरूरत पड़े, तो मेरिट और अपनी योग्यता के बल पर नौकरियों में आए युवा खुलकर मनोहर सरकार की पारदर्शी नीति की सराहना करते हुए कहते हैं कि पिछली सरकार में तो नौकरी के लिए बिचौलियों के लिए ढूंढना पड़ता था। इतना ही नहीं, आयुष्मान भारत और चिरायु हरियाणा योजना, निरोगी हरियाणा, परिवार पहचान पत्र, ऑटोमेटिक तरीके बने बीपीएल राशन कार्ड, पेंशन ईपर जैसी अनेक योजनाओं से भी जनता खुश है, क्योंकि अब उन्हें किसी भी योजना के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। जनसंवाद कार्यक्रमों के लिए लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है कि ग्रामीण अब इंतजार करने लगे हैं कि उनके गांव में जनसंवाद कार्यक्रम कब होगा। जनसंवाद कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री, मंडलायुक्त, पुलिस महानिदेशक और उपायुक्त स्तर के अधिकारियों के साथ घंटों बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और मौके पर ही अधिकांश समस्याओं का समाधान करते हैं। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। हरियाणा और हरियाणा वासियों का उत्थान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है और यही वजह है कि पिछले 9 सालों में हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा पर्यटन और तीर्थाटन के क्षेत्र में एक अलग ही पहचान बनाने में सफल हुआ है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री 8 नवंबर को पिंजौर में हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ करेंगे। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। भारतीय प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिक दृष्टि से पहचान रखने वाला हरियाणा ने पिछले 9 वर्षों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पर्यटन और तीर्थाटन के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। देश की जनसंख्या का 2% से भी कम प्रतिनिधित्व करने वाला हरियाणा राज्य आज कई क्षेत्रों में देश और विश्व में अपनी धाक जमा चुका है। भले ही पर्यटन की दृष्टि से यहाँ कम संभावनाएं हो, लेकिन पिछले 9 वर्षों में मुख्यमंत्री ने हरियाणा को साहसिक खेल गतिविधियों की ओर अग्रसर किया है। मुख्यमंत्री का संकल्प हरियाणा को टूरिज्म के मानचित्र पर अलग पहचान दिलाना है। मुख्यमंत्री जो खुद साहसिक खेल गतिविधियों में रुचि रखते हैं, मुख्यमंत्री ने शिवालिक पर्वत श्रृंखला को साहसिक खेल गतिविधियों का केंद्र बनाया है।
मोरनी हिल्स के पास टिकरताल क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने पैराग्लाइडिंग, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जेट स्कूटर, पैरासेलिंग और ट्रैकिंग जैसे एडवेंचर खेलों की शुरुआत करने के बाद अब पिंजौर को भी पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री 8 नवंबर को पिंजौर में हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ करेंगे। इससे एक ओर जहां पर्यटकों को पहले से चल रही पर्यटन की गतिविधियों के अलावा उनकी यात्रा में नया अनुभव साझा करने को मिलेगा, तो वहीं पिंजौर के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी अवगत हो सकेंगे। देवभूमि हिमाचल का गेटवे माने जाने वाले पिंजौर का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। इसे महाभारत कालीन स्थल भी माना जाता है। ये स्थल अपने भीतर हजारों वर्ष पुराने प्राचीन इतिहास को संजोए है। यहाँ जगह जगह प्राचीन इतिहास की अवशेष विद्यमान हैं। ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान अज्ञातवास का एक बड़ा समय यहाँ बिताया था, जिसके प्रमाण आज भी पिंजौर में देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ स्थित याद विंद्रा गार्डन, जिसे पिंजौर गार्डन भी कहा जाता है, जो बेहद प्रसिद्ध है, ये मुगल गार्डन शैली का एक बड़ा उदाहरण है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री 8 नवंबर को पिंजौर में करेंगे हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ। हिमाचल का गेटवे पिंजौर पर्यटन के साथ साथ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। मोरनी के बाद टूरिज्म का नया केंद्र बनेगा हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज में मुख्यमंत्री करेंगे वाटर स्पोर्ट्स कनेक्टिविटी का शुभारंभ। पर्यटकों को हथनी कुंड बैराज के तौर पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को मिलेगा नया स्थान। मोरनी हिल्स बन रहा पर्यटकों की आकर्षण का केंद्र। शिवालिक और अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हरियाणा की पहचान है। हरियाणा में बन रही दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी। मुख्यमंत्री ने जिला यमुनानगर में सांस्कृतिक रूप से पहचान रखने वाले और धार्मिक स्थलों जैसे आदि बद्री, लोहागढ़, कपाल मोचन, माता मंत्रा देवी सहित अनेक स्थलों को विकसित करने का बीड़ा उठाया है। पवित्र सरस्वती नदी के उद्गम स्थल आदि बद्री को नई पहचान दिलाने की कड़ी में कई प्रोजेक्टों पर कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री ने सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का भी गठन किया है। साथ ही यहां बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी लोहागढ़ को भी पर्यटन के तौर पर विकसित किया जा रहा है। अपने इन्हीं प्रयासों की कड़ी में मुख्यमंत्री 8 नवंबर को हथनी कुंड बैराज में भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का शुभारंभ करेंगे। साहसिक खेल गतिविधियों में रुचि रखने वाले पर्यटकों को अब टिकरताल के बाद हथनी कुंड बैराज के तौर पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए नया स्थान मिलेगा। हरियाणा में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने और पंचकुला के मोरनी हिल्स में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के अलावा ट्रैक, माउंटेन बाइकिंग ट्रैक और कई अन्य गतिविधियों की भी पहचान की गई है। साथ ही मोरनी हिल्स में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग को भी जोड़ा गया है। विभाग की ओर से इको टूरिज्म इवेंट, कैंपिंग साइट, ऑफ रोड ट्रेवलिंग, हर्बल वाटिका की यात्रा की शुरुआत की गई है। वनों की दृष्टि से हरियाणा में शिवालिक और अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 9 वर्षों में इन पर्वत श्रृंखलाओं को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कई नई योजनाओं को अमली जामा पहनाया है। इसी कड़ी में कालका से कलेसर तक के क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की भी योजना बनाई है। इसके लिए करीब 1200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, अरावली पर्वत श्रृंखला पर पड़ने वाले ढोसी के पहाड़ को भी तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर चवन ऋषि जैसे महान तपस्वी हुए, इसीलिए इसकी अपनी आध्यात्मिक पहचान भी है। इसके अलावा यहाँ यूरो स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देने के लिए भी पैराग्लाइडिंग की संभावनाओं का अध्ययन किया जा रहा है। जिला महेंद्रगढ़ में माधोगढ़ में बना किला भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप आज हरियाणा में विश्व के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए व्यापक स्तर पर रोड मैप तैयार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले गुरुग्राम और 9 जिलों की 10,000 एकड़ भूमि पर दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है। इसके बनने के बाद एक ओर जहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम और 9 क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
यहां तक कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग पर्यटन के लिए जंगल सफारी में आएंगे, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। पर्यटन से जुड़े कई अहम प्रोजेक्ट चल रहे हैं और निश्चित रूप से हरियाणा देश में टूरिज्म के मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल होगा। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। हरियाणा राज्य जिसने बागवानी के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की है, यहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बागवानी विभाग नए आयाम स्थापित कर रहा है और हरियाणा के प्रगतिशील किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा राज्य जिसका उदय सन 1966 में तत्कालीन पंजाब के सबसे पिछड़े इलाके को मिलाकर हुआ था, लेकिन यहाँ के जुझारू नागरिकों की मेहनत और इच्छा शक्ति के बलबूते हरियाणा राज्य आज देश के समृद्ध राज्यों में अग्रणी। चाहे उद्योग हो या कृषि, हरियाणा राज्य ने हर क्षेत्र में तरक्की अर्जित की है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। समय में बदलाव के साथ जरूरतें बढ़ती भी हैं और बदलती भी हैं, लेकिन जब कृषि के क्षेत्र में विविधीकरण की बात करें तो हरियाणा प्रदेश इसमें भी आदर्श स्थापित कर रहा है। परंपरागत खेती में जोखिम और लागत ज्यादा है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बागवानी विभाग प्रदेश के किसानों के लिए नई नई योजनाएं ला रहा है, जिससे किसानों की आय दोगुना ही नहीं बल्कि कई गुना बढ़ रही है और किसानों को बागवानी विभाग के प्रति अटूट विश्वास बन रहा है। इसी के परिणाम है बागवानी के क्षेत्र में हरियाणा राज्य पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन रहा है। बागवानी किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार निरंतर कार्य कर रही है। बागवानी विभाग हरियाणा की ओर से किसानों को सशक्त बनाने के लिए पूरे राज्य में 11 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये सभी उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा राज्य के किसानों को उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करके मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी का परिणाम है कि हरियाणा राज्य के किसान अपनी परंपरागत खेती को छोड़कर जैविक खेती करने की ओर बढ़ रहा है। कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार ने पिछले 7 साल में बागवानी विभाग के बजट को करीब 3 गुना बढ़ा दिया है। बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाकर हरियाणा का किसान खुशहाल हो रहा है, जिससे विभाग के प्रति किसानों को विश्वास भी बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को हर योजना का लाभ देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत साल 2021-22 लगभग 1.29 लाख एकड़ क्षेत्र को पोर्टल पर पंजीकृत किया जा चुका है। हरियाणा सरकार की योजनाएं राज्य के किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही हैं। बागवानी क्षेत्र में अग्रणी हरियाणा राज्य की मनोहर सरकार ने भवांतर योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत यदि राज्य के किसानों को अपनी फसल मंडी में बेचने पर कम कीमत मिलती है, अर्थात किसानों को नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बागवानी फसलों पर भावांतर योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। इस योजना को 1 जनवरी 2018 को लागू किया गया। योजना के तहत 21 बागवानी फसल कवर हुआ। अब तक 5,403 किसानों को 14.12 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन। भवांतर भरपाई योजना हरियाणा सरकार की एक अनूठी योजना है। राज्य के जो किसान अपनी फसल जैसे सब्जियां, फलों आदि का बाजार में बेचते हैं, लेकिन उन्हें अपनी फसल बेचने पर उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उन किसानों को राज्य सरकार द्वारा फसल का या तो मुआवजा या फिर फसल की कम कीमत की उचित भरपाई के रूप में प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जा रही है, ताकि किसानों को उसकी फसल का सही मूल्य मिल सके। हरियाणा का बागवानी विभाग प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। बागवानी किसानों की फसल को मौसम की अनिश्चितता जैसे प्राकृतिक आपदा, फसल में बीमारी लगने, असामान्य बारिश, तूफान, सूखा पड़ना
आदि के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा बागवानी विभाग की ओर से मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत कुल 21 सब्जियां, फल और मसालों की फसल को कवर किया गया है। ऐसी योजना चलाने वाला हरियाणा पहला राज्य है। फल की फसल पर 1,000 रुपए का प्रीमियम तय किया गया है। सब्जियों की फसल पर 750 रुपए का प्रीमियम तय किया गया है। फल पर बीमा राशि 40,000 रुपए प्रति एकड़ दी जाती है। सब्जियों पर 30,000 रुपए प्रति एकड़ दी जाती है। बीमा दावों का निपटान करने के लिए बागवानी विभाग की ओर से एक सर्वे भी किया जाता है, जिसके अंतर्गत फसल नुकसान की 4 श्रेणियां 25%, 50%, 75% और 100% में विभाजित की गई है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में कुल 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। बेल वाली बागवानी फसल में मक्खी के नियंत्रण के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार फल मक्खी परियोजना चला रही है और फसलों को रोगों से बचा रही है। किसानों को खुशहाल करने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार ने फलों, सब्जियों, मिट्टी और पानी में कीटनाशक अवशेष सामग्री की प्रवृत्ति के लिए कीटनाशक अवशेष प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जा रही हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार ने सिरसा और करनाल में अनूठी कीटनाशक अवशेष प्रयोगशालाएं स्थापित की। वर्ष 2021-22 के दौरान बागवानी उत्पाद मिट्टी और पानी के कुल 2,916 नमूनों का विश्लेषण किया जा चुका है। प्रयोगशालाओं में की गई जांच में उत्पाद के लिए 5.8% नमूनों में कीटनाशक का अवशेष स्तर अधिकतम अवशेष स्तर से ज्यादा पाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा की वर्तमान सरकार वायु गुणवत्ता सूचकांक को लेकर सबसे ज्यादा सतर्क है और धान की पराली जलाने के मामलों को लेकर और कम करने के लिए कड़े और सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल की तुलना में 2023 में पराली जलाने की घटनाओं में 38% की यहां पर कमी आई है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। हरियाणा सरकार वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यहां पर काफी सतर्क नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए सरकार का ये बड़ा और कड़ा फैसला देखने को मिल रहा है। हरियाणा में पराली जलाने वालों पर यहां पर सख्त जुर्माना होगी। मनोहर सरकार की इस पहल से लोगों में उत्साह है। लोग तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में 38% की यहां पर कमी आई है। साल 2022 में राज्य में पराली जलाने के 2,083 मामले दर्ज किए गए, तो साल 2023 में ये घटकर 1,296 मामले रह गए हैं। साल 2021 के तुलना में 57% की यहां पर कमी पाई गई है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की, जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में सोलर इन्वर्टर चार्जर योजना का लाभार्थी कौन है। इसका सही जवाब है ए, किसान। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से शशांक यादव। शशांक, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता। अब वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर, जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल। हरियाणा में ग्राम रक्षक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए, ग्रामीण क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा। बी, अपराध नियंत्रण को संबल देना। सी, दोनों ही। डी, इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।